नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रामलला का सूर्य तिलक आज रघुवंशी के ललाट पर 12:16 पर पड़ेगी किरणें। सूर्य तिलक के समय लगभग 5 मिनट रामलला के माथे पर 75 मिलीमीटर टीके के रूप में सूर्यदेव शोभित होंगे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों ने सूर्य तिलक की व्यवस्था की है। सूर्य रश्मियों में रामलला के ललाट पर पहुँचने में कहीं भी बिजली का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के तहत उच्च गुणवत्ता वाले दर्पण और लेंस के साथ पीतल की वर्टिकल पाइपिंग की व्यवस्था है। सूर्य किरणों से रामलला का अभिषेक करने की तैयारी पूरी हो गई है। कई बार के ट्रायल के बाद इस बार की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। 17 अप्रैल को आज दोपहर 12:16 पर अभिषेक होगा। मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोग इसे विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय मान रहे हैं। सूर्य तिलक के समय लगभग 5 मिनट रामलला के माथे पर 75 मिलीमीटर टीके के रूप में सूर्यदेव शोभित होंगे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों ने सूर्य तिलक की व्यवस्था पूर्ण की है। सूर्य रश्मियों में रामलला के ललाट पर पहुंचाने में कहीं भी बिजली का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के तहत उच्च गुणवत्ता वाले दर्पण और लेंस के साथ पीतल की वर्टिकल पाइपिंग की व्यवस्था है। राम जन्मोत्सव के साथ धनिया की महत्ता भी विवेचित है। सामान्य तौर पर आटे की पंजीरी की परंपरा है, लेकिन राम जन्मोत्सव के अवसर पर सूखी धनिया को पीसकर उसकी पंजीरी का प्रसाद वितरित किया जाता है। जगतगुरु रामानुचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य के अनुसार इसमें राम जन्मोत्सव का आह्वान और उनकी मिठास घुली है। प्रसव के बाद शिशु और मां के लिए औषधीय गुणों से युक्त धनिया की पंजीरी सोठारा की तरह विशेष लाभकारी मानी जाती है। रामलला के जन्मोत्सव में लगभग 10 क्विंटल से अधिक पंजीरी बनी है। बड़ी मात्रा में लड्डू और पेड़ा बटेंगे। पंजीरी के अलावा प्रसाद के पैकेट में पंचमेवा रामदाना आदि भी होगा। प्रसाद की कुल मात्रा 40 क्विंटल होगी। रामलला को 56 भोग लगेगा। पंचामृत भी बड़ी मात्रा में तैयार किया जाएगा, जिसे प्रसाद के साथ भक्तों को वितरित किया जाएगा। दोपहर में राम जन्म के बाद प्रसाद बांटा जाएगा। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू भारत।